नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी। फ्रेंड्स, और मैं आप स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर टू है हिस्ट्री की, क्लास सिक्स की किताब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अवर पास्ट। तो क्लास सिक्स हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर टू, चैप्टर वन अपलोड हो चुका है। इनफैक्ट सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। इसकी मैंने एक अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है, जिसमें नाम है एनसीईआरटी क्लास सिक्स हिस्ट्री। आप वहां पर जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर टू का टॉपिक है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। देखिए, हंटिंग गैदरिंग के बारे में मैंने पिछली बार बात की थी फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में, जहां पे मैंने गैदरिंग का बताया था कि जगह जगह पे जाके फॉरेस्ट से, प्लांट से, ट्रीज से, रूट से अपने खाने की चीजों को लाना, इसको गैदरिंग बोलते थे, और एनिमल्स को मार के खाना उसको हंटिंग बोलते हैं। तो हंटिंग गैदरिंग की स्टेज से फूड को उगाने की स्टेज पे पहुंचना, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तुषार की ट्रेन की जर्नी की बात की गई है। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजिन की वेडिंग अटेंड करने के लिए। ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे वो, उसने विंडो सीट मिल गई उसको। वो विंडो सीट में ग्लास पैन से बाहर देख रहा था, वो देख रहा था ट्रीज, हाउसेस, सब निकलते जा रहे हैं। तब उसके अंकल ने उससे पूछा कि डू यू नो दैट द ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 इयर्स अगो, यानी कि ट्रेन्स लगभग 150 साल पहले शुरू हुई थी, और पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और ट्रेन शुरू करने के कुछ दशक बाद लोगों ने बसों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो तुषार ने सोचा कि व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स वेयर दे वर बोर्न। तो यहां पे तुषार के दिमाग में यह आया कि अभी तो हम लोग देखिए ट्रेन से, फ्लाइट से, बसों से जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जब नहीं पहुंच पाते थे तो लोग क्या एक ही जगह जहां पैदा होते थे वहीं पे पूरी जिंदगी बिताते थे, या किसी दूसरी जगह वो जाते थे या नहीं जाते थे? ये तुषार के दिमाग में ऑब्वियसली यहाँ पे आया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, ट्रेन की यहाँ पे बात हुई और ये कहा गया है कि ट्रेन लगभग 150 साल पहले आई। तो मान लेते हैं कि 2000 के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे तो 2020 चला, पर 2000 के रेफरेंस में बात करें, यानी लगभग 1850 में ट्रेन आई। इंडिया में ट्रेन कब आई है फ्रेंड्स? देखिए, 1848 से लेके 1856 तक एक पर्सन थे लॉर्ड डलहौजी। अब आपको मुझे कमेंट्स में यह बताना है कि लॉर्ड डलहौजी कौन थे। ये लॉर्ड डलहौजी के समय इंडिया की पहली ट्रेन शुरू गई थी मुंबई में, जो प्रेजेंट डे मुंबई, उस समय पे इंडिया की पहली ट्रेन शुरू हुई। लॉर्ड डलहौजी कौन थे, ये ट्रेन का रूट क्या था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी हिस्ट्री की फ्रेंड्स, इसके बारे में हमको पता ही होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ और चीजें इनके साथ जोड़ देता हूं ताकि आप होलिस्टिकली सीख पाओ चीजों को। हम यहाँ पे The earliest people, why they were on the move? पहले के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे? तो यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हमारे सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट मतलब कि जो हमारे आसपास का इलाका है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल मिला के जो इलाका है, म्यांमार जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, इस सब कॉन्टिनेंट में लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कब से घूम रहे हैं? लगभग 2 मिलियन साल पहले से। 2 मिलियन साल मतलब 20 लाख साल पहले से घूम रहे हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं हंटर गैदरर। तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि यार 20 लाख साल पहले, क्योंकि हम लोग तो हिस्ट्री कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से देख रहे हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी अगर हम चले जाएं तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कब से, हम लोग देख रहे हैं मेहरगढ़ कल्चर से। वो भी मेहरगढ़ के बारे में आप में से कम ही लोगों को पता होगा, चूंकि अब पढ़ रहे हैं तो मालूम पड़ेगा। एक बात और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो क्लास सिक्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो वीडियो यूजफुल है ही, जो हायर क्लासेस में उनके लिए भी यूजफुल है अगर वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर रहे हैं। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बिल्डअप है, क्यों जरूरी है, क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट के बेस को अभी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 20 लाख साल पहले से जो लोग घूम रहे हैं इनको हंटर गैदरर्स बोला जाता था। हम देखिए इंसानी हिस्ट्री को जानते कब से हैं, लगभग 3000 BC से मान लीजिए, 4000 BC से मान लीजिए। हाँ, इनफैक्ट उस समय भी राइटिंग के प्रॉपर सोर्सेज अवेलेबल थे नहीं हमारे पास, तो ये तो 20 लाख साल पहले की बात होगी। तो उस समय पे तो लोग हंटर गैदरिंग ही करते हैं। वो क्या करते थे? देखिए, हंटर गैदरर ये तरीका था कि वो किस तरीके से अपना खाना पाएंगे। इंसान की सबसे बेसिक जरूरत होती है खाना, तो उसके लिए वो वाइल्ड एनिमल्स को मार के खाते थे, फिश बर्ड्स को पकड़ लेते थे, आराम से अवेलेबल थी, फ्रूट्स गैदर करते थे। अब देखिए, उस समय तो कम ही लोग थे फ्रेंड्स, और नेचर इतना बड़ा है तो आराम से खाना मिल जाता था। हाँ, खाना बनाने का तरीका और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस चीज को सेग्रीगेट करने में बहुत सारे लोगों को, जैसे कि आप हो सकते हैं कुछ फ्रूट्स डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो उस समय के लोगों को पता नहीं होता होगा, तोड़ के खा लेते होंगे, मर जाते होंगे। फिर जब उनके साथी मर जाते होंगे तो दूसरे लोगों को पता चलता होगा कि भाई ये फूड पॉइजनस है, इसको नहीं खाना चाहिए।
तो इस तरीके से धीरे 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 करके इंसान को पता चला होगा उस टाइम पे कि कौन सी चीज खानी है कौन सी चीज नहीं खानी है। तो फ्रूट्स कैसे करते थे, रूट से खाना खाते थे, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब डंठल, एग, ये सब चीजें उस समय के लोग खाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इसके बहुत से रीजंस हैं। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक मेजर रीजन ये है कि अगर वो किसी एक जगह पे एक बहुत लंबे समय के लिए रुक जाते तो होता ये है कि वो उस जगह के सारे प्लांट और एनिमल सोर्सेस को कंज्यूम कर लेते। तो जब उस जगह के प्लांट और एनिमल सोर्सेस कंज्यूम हो जाते तो उनके पास खाने को बचता नहीं, तो दूसरी जगह जाना ही था। दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स, ये जो एनिमल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, वो स्मॉलर प्रे छोटे शिकारों के केस में चलते हैं, या फिर जो डियर होता है या वाइल्ड कैटल होता है, जो भेड़ बकरियां होती हैं, जंगली भेड़ बकरियां, वो ग्रास या लीव्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इन भेड़ बकरियों को ये लोग मार के खाते थे जो पुराने इंसान थे, लगभग 20 लाख साल पहले से, तब से कब की बात कर रहा हूं। तो उस समय पे जब ये भेड़ बकरियां वाइल्ड में घूमेंगी ग्रास लीव्स के लिए, तो इन भेड़ बकरियों को वो लोग फॉलो करेंगे, चूंकि उनको हंट करके तो वो खाएंगे। तो एक ये भी मूवमेंट होता था कि एनिमल के मूवमेंट के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर तीसरा रीजन ये था कि जो पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये अलग अलग सीजन में फ्रूट्स देते हैं। तो सीजन टू सीजन अलग अलग तरीके के प्लांट्स अलग अलग एरिया में मिलते थे, इसीलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और चौथा रीजन ये है फ्रेंड्स कि जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनको पानी चाहिए होता था सरवाइव करने के लिए। पानी मिलता है झीलों में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। अब कुछ रिवर्स और लेक्स तो पेरेनियल होती है, पेरेनियल मतलब उन्हें पानी हर पूरे साल मिलेगा, कुछ सीजनल होंगी। सीजनल मतलब कि जिस समय पे पानी बरसेगा उस समय वो भर जाएंगे, जब पानी खत्म हो जाएगा, सूखा आ जाएगा, तो वो सूख जाएंगे। तो पीपल जो कि इन स्ट्रीम्स के किनारे पे रह रहे थे, अगर ड्राई सीजन पड़ गया और वहां पे उन स्ट्रीम्स का, उन लेक्स का पानी सूख गया, तो पानी की खोज में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और चूंकि 20 लाख साल पहले की बात हो रही है फ्रेंड्स, 20 लाख साल से 10,000 साल पहले तक की बात आप कर लीजिए, इस रेंज की अगर हम बात करें, तो उस समय का जो क्लाइमेट हुआ करता था, जो एनवायरमेंट हुआ करता था, वो अभी से बहुत अलग है। अभी जो क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, उसके लिए हम यूज टू हैं। देखिए, हम अपने लाइफ स्पैन की बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा कितने साल हुए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। आप अगर अपने माँ बाप का एक्सपीरियंस ले लें तो 60-70 साल। और पिछले कई हजार सालों में इन्वायरमेंट जो है, वेदर है, वो एक जैसा रहा है। लेकिन ऐसा 20 लाख साल पहले भी एग्जैक्टली यही वेदर हर जगह हुआ करता था, ये जरूरी नहीं है। आइस एज आई थी, फिर आइस पिघली 10,000 साल पहले, तो चीजें थोड़ी फेवरेबल हुई रहने की, वो हम सबसिक्वेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी इस लेवल पे, उतने लेवल पे जाना ठीक नहीं। तो चार मेजर रीजंस मैंने आपको बात की कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, तो हम इन लोगों के बारे में ऑब्वियसली बात है आर्कियोलॉजिस्ट से जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो हंटर और गैदरर उस समय इस्तेमाल करते थे। ये चीजें ऑब्वियसली बात है स्टोन से बनी थी, वो टूल्स जो स्टोन से बने थे, वुड से बने थे, बोन से बने थे, क्योंकि उस समय पर उनको ज्यादा मेटल्स के बारे में पता नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है स्टोन, पत्थर, वुड और बोन एक ऐसी चीजें थी जिनको टूल की तरह इस्तेमाल करके पौधों को काटा जा सकता था, जानवरों को शिकार किया जा सकता था, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। फिर इन स्टोन टूल्स का प्रयोग मीट को काटने में, बोन को काटने में, ट्रीज से बार्क को निकालने में, एनिमल स्किन्स को हाइड करने में, हाइड एनिमल स्किन्स मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी एक डियर को मार दिया तो डियर की खाल को निकालने के लिए किसी एक पॉइंटेड चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो स्टोन टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को उखाड़ने में, क्योंकि रूट्स में भी खाना मिलता है, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल होता था। तो क्या करता था, इन स्टोन्स को, इन पॉइंटेड पार्ट को बोन के या वुड के एंड में चिपका दिया जाता था और उनको स्पीयर्स या एरो जैसा बना लिया जाता था और फिर इनको इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारे टूल्स का लकड़ियों को काटने में भी इस्तेमाल करता था, इस लकड़ी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि फायरवुड चाहिए होता था। फायरवुड एक तो मीट को पकाने के लिए और दूसरा गर्मी के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो फायरवुड एक बहुत मेजर चीज थी। अब स्टोन टूल्स का इस्तेमाल क्यों होता है, लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट वाला, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, ये रूट्स को जमीन के अंदर से डिग करके इसके अंदर जो फ्रूट लगा है इसको खाने के लिए इस स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर राइट में स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, आपने एनिमल स्किन की हाइट्स, डियर को मार के उसकी खाल तो निकाल ली, पर उस खाल को पहनने के लिए उसको थोड़ा सा स्टिच करना पड़ेगा जगह जगहों पे, तो वो स्टिचिंग भी इन्हीं पत्थरों से होती थी। तो स्टोन टूल्स का प्रयोग उस समय पर बहुत सारी चीजों के लिए होता था। उसके बाद बात करते हैं चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यहाँ पे एक मैप दे रखा है और यहाँ पे कुछ प्लेसेस को रेड ट्राइंगल से मार्क किया है,
जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि यहाँ पे हंटर गैदरर के एविडेंसेस मिले हैं। आप देख लेते हैं भैया, ये रेड रेड वाली जगहें कौन सी थी? भीमबेटका। अब देखिए फ्रेंड्स, भीमबेटका, खास बात देखिएगा, भीमबेटका ये बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे पड़ रही है। कुरनूल, हुंसगी, ये भी बिल्कुल नदियों के पास थे। तो ये जो लाल लाल रंग के जो ट्रायंगल है ना, हुंसगी, कुरनूल, भीमबेटका, और ये दो तीन चीजें दिख रही हैं। यहां पे ऐसे बहुत सी जगह मिली हैं जहां पे हंटर गैदरर के प्रूफ मिले हैं इन आर्कियोलॉजिस्ट को। और ये जो जगहें हैं वो वाटर के सोर्सेस के बहुत पास है, रिवर्स के पास है, लेक्स के पास है। चूंकि ये जो हंटर गैदरर है, इनको पता भैया, देखो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पानी की है, पानी तो चाहिए ही चाहिए इनको, पीने के लिए, मीट खाने से पहले खून को साफ करने के लिए, बहुत तरीके की चीजों के लिए पानी का प्रयोग होता है। इनफैक्ट खाना पकाने के लिए, एक टाइम पे पौधों को उबालने के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी उस समय पे, ठीक है। धीरे धीरे करके पानी की जरूरत इनको महसूस हुई, तो पानी का बहुत जगहों पे प्रयोग होता था, इसलिए पानी के सोर्स के पास रहना बहुत जरूरी था। अच्छा, स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, इसलिए लोग ढूंढते थे कुछ ऐसी जगह पे जहां पे अच्छा स्टोन मिल जाए, क्योंकि स्टोन का प्रयोग तो देखिए हर चीज में हो रहा है ना। स्टोन का प्रयोग पूरा का पूरा टूल उस समय उनके लिए स्टोन है। उस स्टोन से वो हंटिंग करेंगे, उस स्टोन से लकड़ी काटेंगे, उसी स्टोन से हाइड्स निकालेंगे, एनिमल स्किन्स को निकालेंगे, उसी स्टोन को रगड़ रगड़ के वो फायर पैदा करेंगे, आग पैदा करेंगे। तो स्टोन की बहुत जरूरत पड़ती थी उस टाइम पे। अब भीमबेटका की बात कर लेते हैं। भीमबेटका प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में, ये ओल्ड साइट है जहां केव्स और रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। इस केव्स और रॉक शेल्टर्स में ये हंटर गैदरर रहा करते थे, क्योंकि ये केव्स और रॉक शेल्टर्स उनको बरसात से, गर्मी से, हवा से बचाती थी। और ये शेल्टर्स नर्मदा नदी के पास थे, तो ऑब्वियस सी बात है नर्मदा नदी के पास है, तो नर्मदा नदी में उनको पानी मिल जाएगा। और पानी मिल जाएगा तो पानी एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है रहने के लिए, आप समझ ही सकते हैं पानी के बिना हम रह नहीं सकते। अब देखिए कुछ रॉक पेंटिंग्स है, यहाँ पे एक रॉक पेंटिंग आपको नजर आ रही है, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक। अब डिस्क्राइब करिए, देखिए ये डियर है, डियर दौड़ रहा है पीछे से, कोई इसको दौड़ा रहा है मारने के लिए। साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे डियर की हंटिंग हो रही है। तो ये जो वॉल्स पे उस समय पे जो रॉक पेंटिंग्स होती थी ना, वो रॉक पेंटिंग्स डिपिक्ट करती थी कि उस समय के लोग क्या करते थे। तो उस समय पे ऑब्वियसली कुछ आर्टिस्ट रहे होंगे, वो आर्टिस्ट की विजुअल होता है ना कि एक इंसान के अंदर इनर टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट को वो कैसे दिखाए, तो ऑब्वियस ही बात है वो इन रॉक पेंटिंग्स में सामने आया है। और हमको इस पेंटिंग से उस समय की बहुत सारी चीजों का पता चला है। ऐसे बहुत सी रॉक पेंटिंग्स आपको मध्य प्रदेश में, साउदर्न उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। इस पेंटिंग में बहुत ही अच्छे स्किल के साथ वाइल्ड एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। ये देखिए केव दिखा रखी है। अभी साइट्स क्या है, देखिए साइट्स वो प्लेसेस हैं जहां पे पुराने समय के रिमेन्स मिले हैं, जैसे टूल्स मिले हैं, पॉट्स, घड़े मिले हैं, बिल्डिंग्स मिली हैं। ये वो जगहें हैं या फिर वो चीजें हैं जिनको लोगों ने बनाया था, यूज किया, और अब ऑब्वियसली लोग तो मर गए, पर ये चीजें यहाँ की यहाँ पड़ी हुई हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ पे मिल सकती हैं, कभी कभी अर्थ के अंदर दबी हुई मिल जाती हैं, कभी कभी पानी के अंदर दबी हुई मिल जाती हैं, क्योंकि उस समय पे जो जमीन थी वो बहुत सारी आज पानी के अंदर आ गई, रिवर के अंदर आ गई, ओशंस के अंदर आ गई। तो ये है साइट्स जहां पे पुराने समय के लोगों के द्वारा बनाई हुई चीजें, उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीजें मिलती हैं हमको, और इनका इस्तेमाल करके आर्कियोलॉजिस्ट ये प्रिडिक्ट करते हैं कि उस समय पे क्या हुआ होगा। फिर फायर के बाद बारे में बात करते हैं। कुरनूल केव्स को ढूंढिए मैप नंबर 2 में। तो देखते हैं भाई कुरनूल केव्स कहाँ है। देखिए ये रही कुरनूल केव्स रेड रंग में। आपका ऑप्शन ये, आपका एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कुरनूल केव्स आज की डेट में कौन से स्टेट में पड़ती है। अब इन कुरनूल केव्स में से हमको राख के कुछ ट्रेस मिले। राख मतलब कि जब आप वुड को जला देते हो, किसी और चीज को जलाते हो, खासकर वुड को जलाते हो, तो उसका ऐश एंड में निकल के आता है, तो उस ऐश को राख कहते हैं। तो इस राख से पता चलता है कि भैया उस समय पे लोग फायर से बहुत ज्यादा फैमिलियर थे। फायर बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होती थी। रात में रोशनी के लिए फायर का इस्तेमाल किया जाता था, मीट को रोस्ट किया जाता था, और चूंकि उस समय पे आप वाइल्ड एनिमल्स के साथ रहते थे, तो वाइल्ड एनिमल्स को दूर भगाने के लिए, डराने के लिए, उनसे कम लड़ने के लिए इस फायर का प्रयोग किया जाता था, उनको डर के भगाने के लिए। क्योंकि रात में जब आप सोते हो तो आप आग जला के सोते हो ताकि कोई जानवर डर के मारे आपके पास ना आए। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने जो समय है, नेम्स है, डेट्स है, जो समय है उनको कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया है, और एक इंपॉर्टेंट पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड।
पैलियोलिथिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, एक है पैलियो जिसका मतलब है पुराना, ओल्ड, लिथोस मतलब स्टोन, मतलब ये स्टोन का इस पैलियोलिथिक एज में एक बहुत मेजर रोल है। और ये कहा जाता है कि जो पैलियोलिथिक एज है ना, ये 2 मिलियन साल अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक मिलती है। कहीं कहीं पे आपको 2 मिलियन ईयर से 10,000 ईयर्स अगो तक मिलेगी। देखिए पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ये सारी एजेस क्या होती है, इन पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को मेरे चैनल पे जाके देखिए, वहां पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे। मेरे चैनल का नाम है हर्षित द्विवेदी, मेरे नाम से वो चैनल है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में पैलियोलिथिक को 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक का माना गया है, ये रेंज मानी गई है 20 लाख से 12,000 ईयर्स के बीच का जो टाइम है वो पैलियोलिथिक है। और इस पीरियड को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। इसका यहां पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक चीज को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी आप क्यूरियस है जानने के लिए तो मेरी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और ये जो स्पैन ऑफ टाइम है ना, दिस इज 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। प्रॉब्लम ये है कि हमको इस पैलियोलिथिक एज के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि राइटिंग उस समय पर डेवलप हुई नहीं थी, कुछ लिखा है नहीं, जो रिमेन्स है उसके बेसिस पे आप कुछ ढूंढ लो तो ढूंढ लो, ठीक है। अब ये कहा जाता है फ्रेंड्स कि 12,000 ईयर्स अगो, यानी जब पैलियोलिथिक पीरियड खत्म हुआ, उस समय पे कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, ठंडी से थोड़ा हम गर्मी पे आए, और उसके बाद मीजोलिथिक पीरियड शुरू हुआ जिसको मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। और ये मीजोलिथिक पीरियड 2,000 साल चला, यानी 12,000 ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स अगो तक मीजोलिथिक मिडिल पीरियड माना जाता है। हालांकि कई जगहों पर इसको 10,000 ईयर्स से 8,000 ईयर्स तक माना जाता है, पर यहां पे एनसीईआरटी में अगर 12,000 ईयर से 10,000 ईयर्स तक अगर लिखा हुआ है तो आप यही कोट करेंगे, जो यूपीएससी की तैयारी या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी यही कोट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ वैलिड सोर्स। मेसोलिथिक पीरियड में जो टूल्स मिले हैं वो बहुत छोटे हैं, इनको माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ्स में क्या होता है कि भाई ये जो माइक्रोलिथ्स थे, छोटे छोटे पॉइंटेड स्टोन के टूल्स थे, इनको बोन हैंडल्स से चिपका दिया जाता था ताकि ये सॉज और सिकल्स की तरह काम करते थे, ठीक है। तो मतलब माइक टूल्स थोड़े और रिफाइन हो गए थे, थोड़े और शेप में आ गए, शेप में आ गए थे, थोड़े और पॉइंटेड हो गए थे, बस यही हुआ था आपका मीजोलिथिक पीरियड में। और उसके बाद जो मीजोलिथिक के बाद आया उसको बोलते हैं नियोलिथिक, यानी 10,000 ईयर साल के बाद। देखिए 20 लाख साल से 12,000 साल के बीच में था पैलियोलिथिक, मिडिल अपर लोअर, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक था मीजोलिथिक, और 10,000 साल के बाद शुरू हुआ आपका नियोलिथिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अब एक मेहरगढ़ कल्चर भी आएगा, उसको भी हम देखेंगे। ये जो टाइम फ्रेम मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये टाइम फ्रेम हर जगह कॉन्स्टेंट नहीं है, अलग अलग जगहों पर कुछ हजार साल का आपको फर्क मिलेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा अपना समय वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको ये डाटा दे दिया गया, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको कोट कर सकते हैं। बट अपनी प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को थोड़ा खुला रखिएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे इन पैलियोलिथिक की, मीजोलिथिक की, नियोलिथिक की जो रेंजेस हैं वो थोड़ी अलग अलग हैं, ठीक है। अब चेंजिंग एनवायरमेंट, जैसा कि आपको बताया जब पैलियोलिथिक खत्म हुआ लगभग 12,000 साल पहले, तो बहुत तगड़ा चेंज हुआ क्लाइमेट में, वार्म कंडीशंस आ गई। पहले बहुत कोल्ड कंडीशंस थी, एकदम से वार्म कंडीशन आई। जब वार्म कंडीशंस आई, पानी की बरसात थोड़ी बड़ी, तो ग्रासलैंड्स आने शुरू हुए, और जब ग्रासलैंड्स आने शुरू हुए तो चारे की अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, डियर के सामने, एंटीलोप के सामने, भेड़ बकरियों के सामने, कैटल्स के सामने, जो लोग ग्रास पे जीते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, इनकी जो आबादी थी वो बढ़ने लगी। और ऑब्वियस सी बात है, जो इन एनिमल्स को हंट करते थे वो इन एनिमल्स को फॉलो करते थे। अब जब डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, इनकी आबादी ग्रास की वजह से बढ़ी, ये भी थोड़े नंबर में बढ़े, इनका मूवमेंट के साथ साथ जो लोग इनको फॉलो करते थे, जो उस समय के हंटर गैदरर्स थे, वो इनको फॉलो करने लगे। जब वो उनको फॉलो करने लगे तो उन्होंने देखा, इन एनिमल्स को देखा, इनकी फूड हैबिट्स को देखा, इनके ब्रीडिंग सीजन को देखा, उसके साथ साथ इन लोगों को भी कुछ चीजें समझ में आनी शुरू हुई। अब देखिए, आप उस समय पर सोचिए, एक आदमी जो एक गोट को मारने जा रहा है, तो अब उसने 3-4 गोट पकड़ लीजिए, मान लीजिए एक झुंड में, एक को मार के उस समय खा गए, तो उस समय उनकी भूख खत्म हो गई, तो बच्चे 3 को भी तो उस समय मारेंगे नहीं, वो ये सोचेंगे कि 3 को अभी हम लोग रख लेते हैं, बाद में मार खाएंगे जब भूख लगेगी। लेकिन उस तरीके से उन्होंने गोट को पालना शुरू किया होगा, उस कैटल को पालना शुरू किया होगा, धीरे धीरे जब उन्होंने उसको पालना शुरू किया होगा तो पता चलता होगा कि यार ये तो मिल्क भी देती है,
इस तरीके की चीजों के बारे में पता शुरू चलना शुरू होगा इसके, और भी। तो उन्होंने उसको रियर करना शुरू किया, उसको हर्ड करना शुरू किया। तो एनिमल्स को सिर्फ मारने के अलावा उनके थ्रू और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये चीज धीरे धीरे इंसान को समझ में आना शुरू हुआ। फिशिंग भी इंपॉर्टेंट हो गई। तो आप कह सकते हैं कि जब पैलियोलिथिक एरा खत्म हुआ तब फार्मिंग की और हर्डिंग की शुरुआत हुई। अब आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, पैलियोलिथिक के एंड में भी ऐसी कुछ चीजें हो रही थी, सो यू डोंट ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर थोड़े वार्म हुए ठंडे से, तब ये चीजें थोड़ी तेजी से हुई। अब देखिए, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, देखिए अब क्या, देयर वाज आल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट बार्ले एंड राई ग्रू नेचुरली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं है कि वीट बार्ले और राइस को इंसान ने, पहले के इंसान ने एकदम से डिस्कवर कर दिया, नेचुरली वाइल्ड में ये सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में पैदा होती थी। इनको लोगों ने खाना शुरू किया, मेन वुमेन चिल्ड्रन इनको कलेक्ट करते थे एज फूड। धीरे धीरे इनको ऑब्जर्व करके इन लोगों को ये पता चला कि ये ग्रो करते हैं और फिर राइपन करते हैं, तो इनको उगाना कैसे है, इनको राइपन कैसे करना है। तब लोगों को समझ में आया कि प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है, उनको कब काटना है, कब पानी देना है, कब उनको गाड़ना है उनकी सीड्स को। इस तरीके से इंसान धीरे धीरे फार्मर बनना शुरू हुआ। उसको समझ में आया कि खाने के लिए मैं अपने प्लांट्स को उगा सकता हूं एक प्रॉपर तरीके से, एक सीजन में, एक सीजन को फॉलो करके। इस तरीके से इंसान फार्मिंग की तरफ गया। तो एनिमल हस्बेंड्री फार्मिंग दोनों चल रही है, सिर्फ खाने के अलावा उन कैटल से दूध निकालना, बाकी एनिमल प्रोडक्ट्स लेना और साथ साथ प्लांट्स को आगे बढ़ाना, यानी फार्मर बनना। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों की शुरुआत आपको नजर आ रही है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि कैसे एनिमल्स को आप टेम कर सकते हो, आप कैसे उनके शेल्टर के बाहर थोड़ा फूड डाल के उनको खाना दे के आप उनको अपने कंट्रोल में ला सकते हो। जो पहला एनिमल टेम किया गया था वो आज के डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था। और धीरे धीरे पीपल को समझ में आया कि हम उन्हीं एनिमल्स को टेम हमें करना चाहिए जो थोड़े से जेंटल हो। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको नई नॉलेज होगी, उन्होंने शेर को भी टेम करने की कोशिश की होगी, वो बैकफायर कर गया होगा ऑब्वियसली, तो उनको समझ में आया होगा कि भैया हमको ऐसे एनिमल्स को टेम करना है जो जेंटल हो, जो हम पे ना उल्टा आ जाए, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, ये पिग, इनको हम टेम कर सकते हैं, ये घास खाते हैं। और ये लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इन जानवरों को दूसरे वाइल्ड एनिमल्स से बचाना है। तो जब आप इन जानवरों का ध्यान रखने लगेंगे तो ऑब्वियसली वो जानवर भी आराम से टेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से लोग हर्डर बने। तो उन्होंने कैटल को रियर करना शुरू किया, कैटल को हर्ड करना शुरू किया अपने बहुत सारे रीजंस के लिए। वो रीजंस ट्रांसपोर्ट भी था, वो रीजंस समय पे उनको काट के खाना भी था, वो रीजंस उनका मिल्क भी था, बहुत सारे रीजंस थे। आप यहां पे आपको एक चीज बतानी है, क्या आप ढूंढ सकते हैं ऐसा कोई रीजन कि सबसे पहला एनिमल टेम होने वाला एक डॉग था? इसका रीजन आप खुद ढूंढिए, सोचिए और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यहां पे डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये नेम उस प्रोसेस को दिया जाता है जिसमें हम लोग प्लांट्स को उगाते हैं और एनिमल्स को देखते हैं। देखिए, वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब पहली बार आप किसी एनिमल को लोगे, जैसे पहली बार डॉग को टेम किया, तो पहले तो वो वाइल्ड था ना, पर जब आपने उसको टेम किया तो उसका जो बिहेवियर था ना वो वाइल्ड एनिमल से अलग हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप प्लांट्स को टेम करोगे तो जो उनका बिहेवियर है वो वाइल्ड प्लांट से अलग हो जाएगा, मतलब आप उनको डोमेस्टिकेट कर रहे हो। और इसलिए आपको उन प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना है, खासकर उन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना जो पहली बार जेंटल है, दूसरा जिनको जल्दी डिजीज ना लगे, तीसरा प्लांट्स की अगर बात की जाए तो उनका ग्रेन साइज बड़ा हो, उनका स्टॉक्स डंठल स्ट्रांग हो, ताकि वो राइप ग्रेन यानी कि जो अनाज बाद में पैदा हो उसके वेट को उठा सके। कहने का मतलब है कि आप उन प्लांट्स को टेम कर रहे हो जो आपकी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड प्लांट से सीड को उठाया गया, उनको प्रिजर्व किया गया ताकि समय पे उनको गाड़ के उनको पौधों में बदला जा सके। एनिमल्स उनको पकड़ा गया जो जेंटल थे ब्रीड करने के लिए, धीरे धीरे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया और वो वाइल्ड एनिमल्स से अलग बिहेव करने लगे। और उसके साथ साथ ये डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस एक दो साल की बात नहीं, इसमें 100 साल लग गए। तो धीरे धीरे जब उन एनिमल्स को आपने डोमेस्टिकेट किया तो उनके जो नेचुरल ट्रेट्स थे उनमें भी फर्क आने लगा। जैसे कि अगर आप वाइल्ड एनिमल को देखोगे, वाइल्ड एनिमल के टीथ और खतरनाक लगेंगे, वहीं पे अगर आप देखिए यहाँ पे लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, विच वन ऑफ यू थिंक बिलोंग्स टू वाइल्ड पिग एंड विच वन टू डोमेस्टिकेटेड। ऑब्वियसली बड़ा वाला वाइल्ड को होगा क्योंकि उसको वाइल्ड में रह के अटैक करना है, बहुत सारी चीजें करनी, तो उस हिसाब से उसके टीथ होंगे। और ये
आपका डोमेस्टिकेटेड टीथ है, इसको ज्यादा अटैक करना नहीं है, खुद ही इंसान इसको खाने पीने के लिए चीजें दे रहा है, समझ गए ना फ्रेंड्स। तो द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, क्योंकि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को आप खुद ही प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो जो उनके बच्चे होंगे वो उनको आपकी प्रोटेक्शन की आदत होगी। हाउएवर वो जानवर जो वाइल्ड में जीते हैं वो अपना प्रोटेक्शन खुद करते हैं, इसलिए नेचुरली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और ताकतवर निकलेंगे। तो डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस था वो ग्रेजुअल प्रोसेस था, एक दो साल का प्रोसेस नहीं था, 12,000 साल पहले शुरू हुआ, यानी जब पैलियोलिथिक एरा खत्म हुआ है लमसम उस समय वो शुरू हुआ। और आज की डेट में जो भी खाना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना भी प्लांट प्रोड्यूस के थ्रू, एनिमल प्रोड्यूस के थ्रू, वो डोमेस्टिकेशन की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहली प्लांट वेराइटीज जो डोमेस्टिकेट हुई थी वो थी वीट और बार्ले, और सबसे पहले एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट हुए थे वो थे शीप और गोट। ठीक है, गोट का प्रयोग आपको पता ही है भाई, गोट दूध भी देती है, आप उसको मीट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। शीप का आपको प्रयोग पता ही है फ्रेंड्स, शीप से आप वूल भी रियर करते हो, और भी बहुत काम होते हैं शीप के, खाने पीने के तो काम वो आती ही है, अलग अलग जगहों पे खाया जाता है, इंडिया में तो ज्यादा नहीं खाया जाता है, और तो बहुत दुनिया के बहुत से हिस्सों में से खाया भी जाता है। अब देखिए ग्रेन को किस किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे एज अ सीड भी प्रयोग करते हो, इनसे आप नए पौधे बना सकते हो, खाने के लिए प्रयोग करते हो, गिफ्ट की तरह प्रयोग करते हो, किसी को देना है किसी चीज के लिए, उस समय बार्टर सिस्टम चलता था कि एक चीज दी दूसरी चीज ली, उसमें भी प्रयोग कर सकते हो, फूड की तरह आप उसे स्टोर करते हो। तो अब यहाँ पे हमको एक नई वे ऑफ लाइफ नजर आई, आपने देखा कि आपने एक सीड को प्लांट किया और कुछ दिन बाद देखा कि भैया वो ग्रो करने लगा। अब ये ग्रोइंग का प्रोसेस कुछ दिन में शुरू हो सकता है, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, या कुछ सालों में। तो धीरे धीरे लोगों ने प्लांट्स को उगाना शुरू किया, और उनको समझ में आया कि अगर उनको उगाना है किसी एक प्लांट को किसी एक जगह पर रुक के, तो उस जगह पर उसको काफी देर तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब प्लांट्स उगेंगे उनको पानी देना पड़ेगा, उनमें से वीड्स को हटाना पड़ेगा, एनिमल्स और बर्ड्स से उनको बचाना पड़ेगा, ताकि जब वो ग्रेन्स राइपन हो पाए तो उस ग्रेन को आप इस्तेमाल करके खा सको। तो जो सेटल्ड लाइफ का कंसेप्ट है वो भी शुरू हुआ, क्योंकि जब आप एक जगह पे सेटल करोगे तभी ये पूरा प्रोसेस आप कर पाओगे, नहीं तो प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ग्रेन आया तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, तो उसको आपको फूड के लिए स्टोर करना था, सीड के लिए स्टोर करना था, तो अलग अलग तरीके ढूंढे जाने लगे उसको स्टोर करने के। तो भैया कुछ जगहों पे क्ले पॉट्स बनाए गए और उन क्ले पॉट्स में उनको स्टोर करना शुरू किया गया, कुछ जगह पे बास्केट बनाई गई, अब वो वुडन बास्केट थी, फाइबर बास्केट थी, उनमें स्टोर करना शुरू किया गया, कुछ कुछ जगह पे ग्राउंड में गड्ढे खोदे गए, पिट्स खोदे गए, उन ग्राउंड के लाइनिंग्स बना के उनको सील कर दिया गया नीचे के सॉयल से, और उसमें स्टोर कर दिया गया इन ग्रेन्स को। अब आप सोच सकते हैं कि एक सेटल्ड लाइफ में जहां पे इतना आगे बढ़ने के बाद, डोमेस्टिकेशन करने के बाद, हर्डिंग, रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर करने के बाद जो अनाज आप उगा रहे हो उसको आप स्टोर कर रहे हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते थे किसी हंटर गैदरर को कि वो इस तरीके से पॉट्स को इस्तेमाल करके प्रयोग करेगा? नहीं, क्योंकि वो सेटल्ड लाइफ जी ही नहीं रहा था, उसको इतना पता ही नहीं था, वो तो बस घूम घूम के खाना ढूंढ रहा था, तो उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, ये चीजें एक सेटल्ड लाइफ में ही शुरू होंगी। फिर स्टोरिंग एनिमल्स, देखिए एनिमल्स ऑटोमेटिकली नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपके घर में गाय और भैंस है, बछिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनके जो बच्चे हैं आते रहेंगे, चीजें बढ़ती रहेंगी, गोट्स हैं, अगर आप उनको ध्यान देते हो, उनको मिल्क प्रोवाइड करते हो, उनको खाना प्रोवाइड करते हो, तो एनिमल्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे, बदले में वो एनिमल्स आपको खाना देंगे, मीट देंगे, दूध देंगे। ठीक है, तो वो जो एनिमल्स हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बदले में वो भी आपका ध्यान रखेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स? देखिए इसके बारे में तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, एनिमल्स को किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सोचिए एनिमल्स को आप किस किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, वर्मी कल्चर, मैंने पहले पढ़ा रखा फ्रेंड्स, ठीक है, सिल्क वॉर्म रेयरिंग करके, आपको पता है शीप से वूल निकाला जाता है, तो ये दो एग्जांपल्स बताए, वर्मी कल्चर और शीप। तो एनिमल का प्रयोग दो जगह कैसे कैसे हो सकता है, खाने के अलावा, ये मैंने बताया। फिर खाने के अलावा आपको पता है कि जो बैल होते हैं वो खेत जोतने का काम करते हैं गांव में, आज की डेट में जहां पे ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर है तो वहां तो खेत जोत रहे, पर कुछ जगहों पर नेचुरली ये जो कैटल्स होते थे इनसे खेत जोतवाए जाते थे। तो देखिए फ्रेंड्स एनिमल्स का बहुत तरीके से प्रयोग किया जाता है, फूड के अलावा जो एनिमल का गोबर होता है, गाय भैंस का गोबर होता है, उसको पात के कंडे बनाए जाते हैं, उन कंडे से घर में खाना बनाया जाता है, हालांकि वो
क्लोज्ड इनक्लोज्ड स्पेसेस में अगर आप उसमें खाना बनाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। बट इस तरीके से मैंने कुछ आपको ऐसे तरीके बताए जिसका आप जिसमें आप एनिमल्स का प्रयोग खाने के अलावा कर सकते हैं। अब यहां देखते हैं कि भैया पहले फार्मर्स और हर्डर कौन थे। तो पेज नंबर 13 पे मैप जाके देखिए और वहां पे ब्लू स्क्वायर्स देखिए। अभी जाते हैं वहां पे। तो हर ब्लू स्क्वायर एक साइट मार्क करता है जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे फार्मर्स और हर्डर के प्रूफ मिले हैं, और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं ब्लू स्क्वायर्स। कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपके नॉर्थ वेस्ट में, कुछ प्रेजेंट डे कश्मीर में है, और कुछ ईस्ट और साउथ इंडिया में। देखते हैं भाई कहाँ कहाँ ब्लू स्क्वायर्स दिख रहे हैं हमको। देखिए बुरजाहोम जम्मू एंड कश्मीर में दिख रहा, मेहरगढ़ ये तो पाकिस्तान में पहुंच गया, कोलदेवा, महागरा, चिरंद, देवजाली हाल्दिंग ये नॉर्थ ईस्ट में नजर आ रहा है आपको, तो पय्यमपल्ली, हलूर, कितने सारी आपको जगहें मिल रही है। इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पे फार्मिंग के और हर्डिंग के प्रूफ हमको मिले हैं। अब देखिए ये पता करने के लिए ये साइट्स और जो सेटलमेंट्स है ये फार्मर्स के थे, हर्डर्स के थे, साइंटिस्ट करते क्या? तो साइंटिस्ट वहां के जो प्लांट्स है, वहां के जो एनिमल्स है, उनके बोन्स के, प्लांट्स के रिमेन्स को, एनिमल के बोन्स के एविडेंस को पढ़ते हैं। कई कई जगहों पे बर्नट ग्रेन के रिमेन्स मिले हैं, यानी ग्रेन्स को जलाया गया है। अब हो सकता है वो ग्रेन्स गलती से आग लगने की वजह से जल गए, पर्पसफुली जलाया गया होगा, लेकिन साइंटिस्ट ने इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया और इन ग्रेन्स के दम पे उनको ये पता चला कि कितनी तरीके की क्रॉप्स उस समय सब कॉन्टिनेंट में उगाई जाती हैं, और अलग अलग जानवर को उनकी बोन्स के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और बोन हमें मिली है फ्रेंड्स, बोन्स हमको मिल जाती है, बोन इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं करती है। फिर टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ की बात करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को हट्स के, झोपड़ियों के, हाउसेस के भी कुछ प्रूफ मिले हैं, जैसे कि बुरजोहम जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, मैंने आपको दिखाया, वहां पे लोगों ने पिट हाउसेस बना रखे हैं जिनको जमीन में गड्ढा खोद के बनाया गया है। जमीन में गड्ढा खोदने के बाद प्रॉपर स्टेप्स बनाए गए हैं जो उस गड्ढे के अंदर लेके जाएंगे, वहां पे लोग रहते थे। और कोल्ड वेदर में, चूंकि कश्मीर में ठंडी पड़ती है, तो वहां पे कोल्ड वेदर में जमीन के अंदर बनाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है ठंडी से भी इस तरीके का अरेंजमेंट बचाता था। फिर घरों के बाहर और अंदर, हट्स के बाहर और अंदर दोनों जगह पे कुकिंग की पिट्स थी, हर्थ्स थी, वहां पे कुकिंग होती थी, मतलब अंदर भी आप कुक कर सकते हो, बाहर भी कुक कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है तो आप अंदर खाना बनाओगे, और अगर वेदर ठीक है तो आप बाहर भी खाना बना सकते हो। तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो बाहर खाना नहीं बनाओगे, बहुत ज्यादा ठंडी है तो बाहर खाना नहीं बनाओगे, तो वेदर के हिसाब से खाना बनाया जाता है। पिट हाउस को ड्रॉ करना है, पिट हाउस को ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, आप गूगल सर्च मारो, वहां पे पिट हाउस ऑफ एंशियंट इंडिया को बहुत आराम से मिल जाएंगे। फिर स्टोन टूल्स मिले हैं भाई इन साइट से, देखिए स्टोन टूल्स तो मिलेंगे फ्रेंड्स, स्टोन टूल्स तो पैलियोलिथिक एरा से ही एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, और अब तो पैलियोलिथिक एरा ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और हम मीजोलिथिक में घुस रहे हैं, तो बहुत जगहों से स्टोन टूल्स मिले हैं, और ये बहुत हद तक अलग थे पहले के पैलियोलिथिक से। पैलियोलिथिक से अलग, देखिए पैलियोलिथिक एरा में जो टूल्स थे उनसे थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ मीजोलिथिक में, और उससे और इंप्रूवमेंट हुआ नियोलिथिक में, क्योंकि पैलियोलिथिक के बाद आया मीजोलिथिक और फिर आया नियोलिथिक। नियोलिथिक के जो टूल्स थे वो मीजोलिथिक और पैलियोलिथिक दोनों से अच्छे थे, इन टूल्स को पॉलिश किया जाता था, इनकी एजेस काफी फाइन थी। फिर यहाँ पे मॉर्टर्स और पेस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता था ग्रेन को ग्राइंड करने में। आज की डेट में आप अपना गेहूं कैसे पिसाते हो फ्रेंड्स, गेहूं को आटे में बदलते हो ना, खाने से पहले आटे को मार के फिर आप रोटी बनाते हो, तो वो जो आटा है वो कहां से आता है, गेहूं पीस के आता है, गेहूं आप जाके मशीन में चक्की में पिसवाते हो, पहले कैसे पीसा जाता था इस गेहूं को, पहले मॉर्टर्स और पेस्टल से पीसा जाता था इस गेहूं को, बड़ी सी सिलबट्टी बना के उसके अंदर घुमा घुमा के उसको पीसा जाता था, ठीक है। फिर इवन आज भी मॉर्टर्स और पेस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है ग्रेन को ग्राइंड करने में बहुत सारे गांवों में, ठीक है। अच्छा उसी समय पे, जिस समय पे नियोलिथिक टूल्स आ रहे थे, बहुत तरीके के पैलियोलिथिक टूल्स भी इस्तेमाल में थे, यानी पैलियोलिथिक टूल्स पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे, कुछ वैसे टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे थे बट उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया गया था। कुछ टूल इस समय पे बोन के भी बने हुए थे, ऐसा नहीं है कि केवल स्टोल टूल्स इस्तेमाल हुए थे, बोन के भी थे। आप यहां देखिए फ्रेंड, अब इसको देखिए बिल्कुल पॉइंटेड है, तो इससे आप कोई चीज खोद सकते हो, तो ये और बहुत स्ट्रांग टूल्स से आसानी से टूटेंगे नहीं, तो इस तरीके के टूल्स का, स्टोन टूल्स का प्रयोग किया जाता था। फिर बहुत सारे
अर्दन पॉट्स भी मिले, घड़े भी मिले फ्रेंड्स, और इनको डेकोरेट किया जाता था, इनके अंदर चीजें स्टोर की जाती थी। आज की डेट में भी आपने पिक्चरों में देखा होगा फ्रेंड्स, जो मिडिल ईस्ट टाइप की कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वहां चले जाइए, लेबनन, जॉर्डन, वहां पे घरों में घड़े होते हैं, उन घड़ों के अंदर राइस स्टोर किया जाता है, उन घड़ों के अंदर दाल। वहां को जाओ आप इंडिया में, देखो घड़ों के अंदर दाल और राइस और इस टाइप की चीजें स्टोर की जाती हैं। इनफैक्ट घड़े में पानी स्टोर करना तो बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, क्योंकि घड़े में पानी ठंडा रहता है। अब आपने कभी सोचा है कि घड़े में पानी क्यों ठंडा रहता है? चलिए वो मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा। तो लोगों ने पॉट्स का प्रयोग किया स्टोर करने के लिए, प्लस खाना पकाने के लिए। आपने चंपारण स्टाइल मटन सुना होगा, चंपारण स्टाइल मटन कैसे बनता है? घड़े के अंदर आप मटन को पकाते हो घंटों तक। तो आप समझिए ना कि इन घड़ों का प्रयोग पानी भरने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, रीस, व्हीट, राइस और खाना बनाने, हर तरीके की चीजों में इन घड़ों का प्रयोग किया जाता था। फिर उस समय राइस खाया जाता था, व्हीट्स, लेंटिल्स, दालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती थी आपकी डाइट का। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पॉट में इनको स्टोर भी किया जाता था, पका के इसमें खाया भी जाता था। फिर उस समय पे लोगों ने क्लॉथ को वीव करना भी शुरू किया, अलग अलग मटेरियल से क्लॉथ बनते थे। एक मटेरियल जो कि यूज होता था कॉटन, कॉटन के थ्रू क्लॉथ बनते थे। आज की डेट में कॉटन को उगाने का प्रॉपर तरीका हमारे सामने है, उस समय पे कॉटन की थोड़ी अलग वैरायटी थी, उतनी अवेलेबिलिटी में नहीं था, चूंकि लोगों को उगाना नहीं आता था आज की तरीके से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जो चेंजेस आए फ्रेंड्स, क्या ये एकदम से आ गए? नहीं, बहुत सारे इलाकों में आज भी जो मेन और वुमेन है वो हंट करते हैं और गैदर करते हैं फूड को। इंडिया में क्या आप ऐसे कुछ इलाके देख सकते हैं? अंडमान और लक्षद्वीप में क्या ऐसे कुछ इलाके मिलते हैं? क्या अफ्रीका के कुछ देशों में जो बिल्कुल ही गरीब हैं, क्या वहां पर हंटिंग गैदरिंग कल्चर आज भी चल रहा है? धीरे धीरे लोग फार्मिंग और हंटिंग सीख रहे हैं। तो आज की डेट में आपको दुनिया के कुछ हिस्सों में ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। हालांकि उस लेवल पे नहीं मिलेंगी जिस लेवल पे एंशियंट टाइम्स में मिलती थी, बट मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे मेहरगढ़ की, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ को मैंने आपको नक्शे में दिखाया था, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है वो, तो इस मैप में जाके आप देख सकते हैं बैक करके। और एक चीज बताऊंगा फ्रेंड्स कि ये एनसीईआरटी की किताब भी अगर हो सके तो आप अपने सामने खोल के रखें, चाहे प्रिंट मार लें, चाहे आपने टैब में खोल के रखें। एनसीईआरटी का लिंक, वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे इस एनसीईआरटी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी है एनसीईआरटी किताबें, गवर्नमेंट ने इतना पैसा खत्म करके इनको बनवाया है, तो आप इनका इस्तेमाल करिए। देखिए जो मेहरगढ़ की साइट है, बहुत फर्टाइल प्लेन में बोलन पास के पास है, और बहुत इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था ईरान के, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के बहुत पास है मेहरगढ़ साइट। और मेहरगढ़ साइट वो साइट है जहां पे शायद बारले और वीट उगाने की टेक्निक को पहली बार समझा गया था, पहली बार यहाँ पे शीप्स और गोट्स की रेनिंग शुरू की गई थी। तो ये वन ऑफ दोस अर्लीस्ट सेटलमेंट्स है, अर्लीस्ट विलेजेस है जिसके बारे में हमको मालूम है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स बोन्स भी पाई गई है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स, जैसे कि डियर की बोन, पिक की बोन पाई गई, शीप की, गोट की बोन पाई गई है। मेहरगढ़ में जो भी घर मिले हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हाउस थे। देखिए ये बड़ा सा घर है, इसको चार अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांट रखा है, ठीक है। तो हर घर में चार या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे, कुछ कंपार्टमेंट रहने के लिए, कुछ कंपार्टमेंट स्टोरेज के लिए ऑब्वियसली इस्तेमाल किए जाते थे। जब लोग मर जाते थे तो जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली उनको रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बरियल दिखा रखा है, एक आदमी है उसको गाड़ दिया गया और उसके साथ साथ उसकी गोट्स को भी गाड़ा गया, मतलब गोट्स का भी स्केलेटन दिखाया गया। तो मेहरगढ़ में आपको एक कल्चर देखने को मिलेगा कि जब इंसान मर जाता था उसको गाड़ते थे, उसके गाड़ने के साथ साथ, ठीक है, कुछ गोट्स को भी गाड़ देते थे, क्योंकि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि डेथ के बाद भी किसी तरीके की जिंदगी होती थी। तो बरियल एक अरेंजमेंट होता था जहां पे इन लोगों को आराम से एक जगह पे आराम किया जाता था, मतलब गाड़ के उनको आराम करने दिया जाता था जब वो मर जाते थे। तो बहुत सारी बरियल साइट्स आपको मेहरगढ़ में मिली। कुछ इंस्टेंसेस में ये देखा गया है कि भैया जो मरा हुआ पर्सन था उसको उसकी गोट्स के साथ गाड़ा गया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है तो उस दुनिया में इसके पास खाना हो, इसलिए वो उन गोट्स को उस इंसान के साथ गाड़ देते थे, ताकि उस इंसान को जहां पे वो जा रहा है वहां पे भी खाना मिलता रहे। इसलिए लोग अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा मानते थे, तो जब उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मर जाते थे तो उनको गाड़ने के साथ साथ उनकी गोट्स को भी गाड़ दिया जाता था ताकि उनको खाना मिलता रहे। अब देखिए यहां पे
केव पेंटिंग्स इन फ्रांस दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे आप देखिए इसको पेंटिंग है। आप अपना एटलस खोलें और उस एटलस में फ्रांस को अपने मैप में देखें, फ्रांस को देखने की कोशिश कीजिए। फ्रांस ऑब्वियसली यूरोप में पड़ता है। आप तीन चार चीजें करिए, फ्रांस के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये देखिए, फ्रांस कौन से ओशन के साथ बाउंड्री बनाता है ये देखिए, कुछ चीजें देखिए। तो ये जो पेंटिंग मिली है फ्रांस में एक केव है वहां से मिली है। ये जो साइट है इसको कुछ चार स्कूल चिल्ड्रन ने 100 साल पहले डिस्कवर किया था। यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो 20,000 साल से 10,000 साल पहले बनाई गई थी। इसमें हॉर्ड वाइल्ड हॉर्सेस दिख रहे हैं, और ऑक्स दिख रहा है, एक वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल हुआ करता था, बाइजन दिख रहा है, हुली राइनोसोरस दिख रहा है, रिएंडर दिख रहा है, बियर दिख रहा है, जिनको ब्राइट कलर में पेंट किया गया है। ये जो कलर्स थे ये मिनरल से मिलते थे, जैसे कि आयरन ओर से, ऑकरे से, चारकोल से। तो क्या ये पॉसिबल है कि इन पेंटिंग्स को किसी सेरेमोनियल ओकेजन से बनाया गया है, क्या किसी स्पेशल रिचुअल के लिए बनाया गया है, या फिर इन पेंटिंग्स को तब बनाया गया जब हंटर्स अपने प्रे अपने शिकार पे जाने से पहले इन पेंटिंग्स को बनाया गया है। तो क्या आप इन पेंटिंग को देख के, इंद के अंदर के जानवरों को देख के ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये पेंटिंग्स को बनाने की वजह क्या थी? ये यहाँ पे एक इंक्विजिटिव माइंडसेट को आपको लेके चलना है। फिर एक और चीज, एक नियोलिथिक साइट की यहाँ पे बात की गई है। आप टर्की को अपने एटलस में देखिए, पिछले वाली वीडियो में आपको टर्की दिखाया भी था, हो सकता है उसमें कर्सर वो ना हो रहा हो फ्रेंड्स। तो आप एक काम करो, अपना गूगल मैप खोल लीजिए, गूगल अर्थ खोल लीजिए, या अपना एटलस खोल लीजिए, वहां पे आप टर्की देखिए। टर्की में एक बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट, इसका नाम कटाल होयुक, ठीक है। तो कटाल होयुक में बहुत सारी चीजें दूर दूर से लाई जाती थी, जैसे सीरिया से फ्लिंट लाया जाता था, रेड सी से काउरीज लाई करती थी, मेडिटेरियन सी से शेल्स लाए जाते थे और सेटलमेंट में यूज किए जाते थे। तो वहां पे उस समय पे कोई कार्ट्स नहीं होती थी। तो आप सोचिए फ्रेंड्स कि बहुत सारी चीजों को एनिमल्स की पीठ पे बांध के लाया जाता होगा, या तो कैटल बांध के लाए जाते होंगे या फिर पीपल उसको लेके आते होंगे। ये काउरीज और शेल्स का प्रयोग किस लिए होता था ये आपको सोचना है फ्रेंड्स। तो ये पुराने समय की बात हो रही। देखिए यहाँ पे जो साइट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको बाहर की साइट के भी दिए गए हैं, जैसे कि टर्की की एक साइट का आपको एग्जांपल दिया गया है। इंडिया में भी आपको बहुत सारी साइट्स दिखाई गई हैं, ठीक है। आपको अपने इमेजिनेशन से ये समझना है कि उस समय पे जब ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज नहीं हुआ करते थे, ये जो चीजें जो कि दूसरी जगहों पे मिलती हैं और दूसरी जगह पे ओरिजिनेट करती है, मिलती कहीं और है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो काउरीज हैं, ये शेल्स हैं, ये मिल कहीं और रहे हैं। शेल्स मेडिटेरियन मिल रहे हैं, काउरीज रेड सी मिल रही है। सबसे पहले तो काउरीज और शेल्स होती क्या है, इनको आप गूगल सर्च मार के देखिए। फिर इनको लेके क्यों गया गया टर्की में कटाल युग में, इसको देखिए। देखिए बहुत आसान है इनके आंसर देखना, आप गूगल पे एक सर्च मारेंगे आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। तो हमने हंटर गैदरर देखा, साइट क्या होती है देखा, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक समझा, माइक्रोलिथ समझा, डोमेस्टिकेशन, फार्मर, हर्डर, नियोलिथिक, बरियल, सब बताया है मैंने फ्रेंड्स आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई कि यू लिव इन रॉक शेल्टर लाइक द वन शोन ऑन पेज 14 अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द केव एंड यू वॉन्ट टू हेल्प हिम, विल यू मिक्स द कलर्स, ड्रॉ द लाइन, फिल इन द कलर्स, व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू, करिए भाई। कहने का मतलब ये है, ये जो रॉक पेंटिंग बनी है ये कौन कौन से कलर से बनी है, जो कलर से वो कलर कहां से आए, प्लस इस रॉक पेंटिंग को बनाया कैसा गया। यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि उस समय पे अगर आप वहां पे होते तो आपके दिमाग में क्या होता, पहली चीज तो ये। दूसरा, उस पेंटिंग को बनाने के लिए आपको किस किस इक्विपमेंट की जरूरत है, दूसरी चीज ये आपको यहां पर पता करना है। तो ये था चैप्टर का सार फ्रेंड्स। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देखिए यहाँ के जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं एक्सरसाइजेस नहीं करा रहा हूँ, इसलिए नहीं करा रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मैं सारी एनसीईआरटीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड में अगर आप बोलेंगे मुझे, एक लिमिट से ज्यादा मेरे पास मैसेजेस आएंगे कि आप सॉल्यूशंस भी कराइए, तो मैं बहुत खुशी खुशी कराऊंगा, बट वो तब है जब कम से कम 700-800 हजार लोग मुझसे कहेंगे कि आप कराइए, तो कराऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। मीजोलिथिक एरा, ये मीजोलिथिक एरा आपको 12,000 साल से 10,000 साल के बीच में दिख रहा है, ये आपको सम इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रही है राइट साइड पे। फिर डोमेस्टिकेशन लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मेहरगढ़ अबाउट 8,000 ईयर अगो, मतलब मेहरगढ़ का सेटलमेंट लगभग 8,000 साल पहले शुरू हुआ था। नियोलिथिक टाइम लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, यानी कि 20 लाख साल से 12,000 साल तक पहले तक, यानी 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक पैलियोलिथिक एरा था, जो कि लोअर मिडिल अपर में बटा हुआ है।
12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक मेजोलिथिक था, 10,000 साल पहले से आगे शुरू हुआ नियोलिथिक, मेहरगढ़ की शुरुआत 8,000 साल पहले हुई, ठीक है, और बिगिनिंग्स ऑफ द डोमेस्टिकेशन ये शुरू हुआ 12,000 साल पहले। ये जो साल पहले की बात की जा रही है ना फ्रेंड्स, इसको आप 2000 एडी से लीजिए, ठीक है, 2000 एडी से, यानी 2000 एडी, अभी तो 2020 चल रहा है, पर आप 2000 को बेस मान के चलो और उस हिसाब से आप एन्नो डोमिनी या बिफोर क्राइस्ट वाले साल अपने बना सकते हो। एन्नो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट का कंसेप्ट मैं आपको पिछली वीडियो में बना चुका हूं, जो कि पहली वीडियो है हिस्ट्री के आवर पास्ट का पहले चैप्टर की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, अपने इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, अपने बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे इन वीडियोस को शेयर कर दें। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को, अगर अच्छी लग रही हो, अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।